बड़ी ही खबरों की ओर। बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए छोड़ने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि 26 मार्च तक वो बीजेपी की तरफ से समझौते में दी जाने वाली सीटों की घोषणा का इंतजार करेंगे। इस स्थिति तक अगर बात नहीं बनी तो 27 मार्च को वो अलग रास्ते पर चल देंगे। लोकसभा चुनाव में विपक्ष सरकार को घेर रहा है कि उसने रोजगार उपलब्ध कराने के वादे पूरे नहीं किए हैं, लेकिन सरकार रोजगार सृजित कराने के आंकड़े अपने तरीके से दे रही है। ऐसे में इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या राष्ट्रीय दल इस बार अपने घोषणा पत्रों में रोजगार को लेकर कोई ठोस वादे करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में व्हाट्सएप राजनीति संदेशों के साथ लाखों लोगों को प्रभावित करेगा। व्हाट्सएप पर 87,000 से ज्यादा समूह सक्रिय हैं, जिन पर राजनीतिक संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें अधिकारियों को वन में रहने वाली किसी भी व्यक्ति को बेदखल न करने और आदिवासी भूमि के कथित गैर कानूनी अधिग्रहण की जांच करने के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश देने की अपील की गई है। यूपी में एक्सप्रेसवे राजनीति की पटकथा राजनीतिक दलों ने अपने हिसाब से तैयार कर रखी है। एक्सप्रेसवे एक ऐसा मुद्दा है जिसके माध्यम से राजनीतिक दल एक झटके में ही दर्जनों लोकसभा सीटों पर प्रभावी होने की कोशिश करेंगे। सोमवार को देर रात तकरीबन 2 बजे दिल्ली से लखनऊ जा रही रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। बस में आग लगते ही यात्रियों में चीख बुखार मच गई। जब तक बस सवार यात्री उतर पाते तब तक एक बच्चा एक महिला सहित 4 यात्री जिंदा जल गए। घटना की जानकारी पाते ही जिले के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। फायर ब्रिगेड और डॉक्टरों की टीम को मौके पर बुला लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने रविवार को ट्वीट पर भाजपा के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस में शामिल होने के अटकलों पर तंज कसते हुए उन्हें चुनाव न लड़ने देने की सलाह दी है। आम आदमी पार्टी ने रविवार को घोषणा की है कि पार्टी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और अंडमान एवं निकोबार में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर बताया कि सहारनपुर से योगेश दहिया, गौतम बुद्ध नगर से प्रोफेसर श्वेता शर्मा और अलीगढ़ से सतीश चंद्र शर्मा को आपका प्रत्याशी बनाया गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में होली पर्व की पूर्व संध्या पर 2 हिंदू किशोरियों का अपहरण करके उन्हें बलपूर्वक इस्लाम स्वीकार करवाने के समाचारों को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी के बीच बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। सुषमा स्वराज ने इस घटना के संबंध में मीडिया की रिपोर्ट संलग्न करते हुए ट्वीट किया कि उन्होंने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया से इस मामले पर रिपोर्ट भेजने को कहा है। शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया और यूपी के बाहर लोकसभा के साथ विधानसभा में जोर आजमाइश से करेगी। बसपा ने रविवार को लोकसभा की 19 और विधानसभा की 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई वाली बसपा और पीस पार्टी ने साथ में हाथ मिलाया है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने यूपी के बागपत से चौधरी मोहम्मद मोहम्मद व गौतम बुद्ध नगर से जितेंद्र सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान एक फ्लाइट लाइट के शॉर्ट सर्किट के कारण बंद होने से 12 मिनट तक खेल रोकना पड़ा, जिसमें केकेआर के बल्लेबाज नीतीश राणा ने अपने आउट होने के लिए 32 गुल होने को जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे यानी एफएम के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ओएन न्यूज। नमस्कार।